नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बताना चाहूंगा कि नशे का व्यापार थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां आए दिन देखने को मिल रहा है कि सिरप या फिर गाजे या फिर आप लोगों को बता दो कि स्मैक, लगातार ऐसे देखने को मिल रहा है कि बिजनेस इनका बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ तो युवा इसमें इस तरीके से बिजी होते जा रहे हैं, व्यस्तता देखने को मिल रही है सिर्फ नशे का व्यापार करने में कि अपने परिवार और अपने कहीं ना कहीं खुद के व्यक्तित्व को भी भूलते जा रहे हैं। नशे में इतना ज्यादा इंसान डूब रहा है, कहीं ना कहीं इसका बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब लोग सिर्फ इसी का बिजनेस करना ही ज्यादा उचित समझ रहे हैं, ना कि कोई और कोई कार्य करना ज्यादा जरूरी समझ रहा है। जहां आए दिन देखने को मिलता है कि या तो सड़क हादसा या फिर आए दिन 376 का मामला या कहीं ना कहीं ऐसे कुछ क्राइम जो चोरी हो डकैती हो, सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नशे का व्यापार आए दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं पुलिस भी अपना कार्यवाही जरूर करते जा रही है लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। जहां ऐसे ही मामले को अमिलिया पुलिस के द्वारा कारनामे को अंजाम दिया गया, जहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कफ सिरप जो है लगातार सिरप देखने को मिल रहा है कि सिरप का तस्करी बढ़ती ही जा रही है, नशे का व्यापार जो बढ़ता जा रहा है। वहीं अमिलिया थाना के अंतर्गत ये मामला सामने आया जहां पुलिस के द्वारा उसको अंजाम दिया गया। जो आप लोगों को बता दूं कि 24 जनवरी 2022 को मुखबिर सूचना मिली कि गुलशेर अहमद अभयराज यादव दोनों निवासी गुड़ाही तथा जितेंद्र सिंह चौहान निवासी हटवा थाना बाहरी के ब्लोरो क्रमांक MP9 CJ 4175 से नशीली कप सिरप कोरेक्स लेकर मिर्जापुर से अमिलिया होते हुए बाहरी की तरफ जा रहे हैं। उक्त सूचना पर अमिलिया पुलिस द्वारा ब्लोरो वाहन क्रमांक MP9 CJ 4175 आते हुए दिखी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया जो पुलिस को चकमा देकर ग्राम कोदौरा से बिठौली रोड तरफ भागने लगा, जिसका पीछा किया गया और अन्य कच्चे रास्ते से होते हुए आरोपियों की गाड़ी के सामने जैसा ही पहुंचा तो पुलिस को सामने देखकर तीनों आरोपी वाहन बोलेरो ग्राम तितली आम रोड में छोड़कर भाग गए, जिन्हें दौड़कर पकड़ने का प्रयास किया गया जो पकड़े नहीं जा सके। वाहन बोलेरो की तलाशी ली गई जो एक पेटी खाकी कार्टून के अंदर 160 cc स्कफ कंपनी की कोडीन फास्फेट युक्त नशीली कफ सिरप, जिसमें प्रत्येक सीसी 100 ml देखने को मिला कि मिलीलीटर, प्रत्येक कीमती ₹149 की कुल कीमत यानी कि ₹23,840 की एवं वाहन ब्लोरो कीमती करीबन लगभग ₹6,00,000 की जब्त की गई है। बाद आरोपियों के पता तलाश उनके गृह ग्राम में किया तो दस्तयाब नहीं हुए। पता तलाश हेतु मुखबिर मामूर किए गए व आरोपी गण उपरोक्त के विरुद्ध थाना अमिलिया में अपराध क्रमांक 39/22 धारा 8/21, 22 और 29 NDPS एक्ट एवं 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग्स कंट्रोल एक्ट 1949 का कायम कर विवेचना कर लिया गया है। जहां संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी अमिलिया, उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह परिहार और उनके पूरे थाना टीम के द्वारा इस कारनामे को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि पुलिस तो लगातार कारनामे को अंजाम देने पर लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये नशे का व्यापार रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां आए दिन कहीं ना कहीं ये सीधी जिले में देखने को मिलेगा कि वो वक्त आएगा अगर ऐसा ही बिजनेस चढ़ता रहा इस नशे का, तो ऐसा वक्त आएगा कि यहाँ हर वक्त लोग सिर्फ नशे में ही दिखाई देंगे और अपराध थमने वाला नहीं होगा। लेकिन ये डर लगता है देख करके कि इस तरीके से नशे का व्यापार सीधी जिले में बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसमें सरकार इस रोकने की कोशिश ही नहीं कर रही, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से विद्यालय अगर बंद है, वहां पर बता दूं कि सबसे कम ऐसे हैं जो कि किशोरावस्था देखने को मिल रहा है, वो नशे का कहीं ना कहीं उनको चस्का लग चुका है, जो लत लग चुकी है वो छोड़ने को तैयार नहीं। और दूसरी तरफ आप लोगों को बता दूं कि ये रोजगार तो ढूंढते हैं जो कि कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि इनको जब रोजगार नहीं मिलता तो ये भी नशे की कहीं ना कहीं नशे की आदत में ढलते जा रहे हैं और ये भी नशे में डूब ही जाते हैं। इसलिए ऐसा मामला सामने आता जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को भी देखना चाहिए कि रोजगार अगर मिले तो शायद ऐसा व्यापार नहीं होगा और थमेगा कम से कम यहाँ के अपराध। धन्यवाद, ऐसी बने रहे खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।